अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा सेकंड लेक्चर और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी शार्प। होप सो आपको लास्ट टॉपिक से काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन सी शार्प के बारे में मिल गई होगी। तो अभी हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेरिएबल है क्या। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है जैसे आपका नेम, आपका अपना नाम वो आपका वेरिएबल है, आपकी पहचान है, जिससे लोग आपको बुलाते हैं या लिखते हैं, आपके टीचर्स भी या आपके रिकॉर्ड्स में भी वही है। इसी तरह सी शार्प में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप कोई वैल्यू असाइन करते हो और वो एक यूनिक एलिमेंट बन जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप किसी के स्टूडेंट की एज लिख रहे हो तो आप लिखोगे स्टूडेंट एज इज इक्वल टू, आपने जो भी वैल्यू लिखनी हो, आपने उस स्टूडेंट का एड्रेस लिखना हो, किसी फैकल्टी मेंबर का लिखना हो तो आप लिखोगे फैकल्टी मेंबर नेम, आगे उसका नेम आप जो भी स्टोर करवा दोगे, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है। आप मल्टीपल वेरिएबल के नाम डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आपको पहले स्टूडेंट के लिए चाहिए तो आपने लिख दिया स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, या आपने जो भी लिखना है आप वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। आपको वेरिएबल के नेम से तो समझ आ गई कि आप कोई भी नेम देंगे, जैसे स्टूडेंट वन आप नेम दे रहे हैं या आप उसका एड्रेस नेम दे रहे हैं, कोई भी आप नेम दे रहे हैं। अब आगे नेम किस तरह दिया जाता है और उसके क्या रूल्स हैं, ये भी हम फर्दर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप मैं आपको नेक्स्ट इसी लेक्चर में जो फर्दर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डेटा टाइप्स क्या हैं। अब डेटा टाइप्स भी दो तरह की होती हैं, कुछ वैलिड होती हैं और कुछ इनवैलिड होती हैं। इस तरह वेरिएबल्स भी कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम आगे फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जितना अब आगे डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स क्या है, जैसे मैंने को कहा कि डेटा जो स्टोर होता है ना वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे आपने फ़ोन नंबर स्टोर करवाना है तो आपके यहाँ इसमें नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई नेम स्टोर करवाना है आपके यहाँ इसमें नंबर आ रहे हैं, आप नेम आ रहा है, आप अल्फ़ाबेट आएंगे, लेकिन आपने कोई भी एड्रेस स्टोर करवाना है, आपने जैसे किसी का एड्रेस स्टोर करवाना है उसमें तो नंबर्स भी आएंगे, करेक्टर्स भी आएंगे, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स आएंगी। आप कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जब आप दो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फिर आपके आपको पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ आएंगी, आपका जो है वो राउंड ऑफ भी होंगे डिजिट्स, तो उसके लिए फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन नंबर स्टोर करवाना है तो आप टाइप नंबर यूज़ कर सकते हैं, आपने किसी का नेम लिखना है तो आप टाइप नेम यूज़ कर सकते हैं, आपने कोई सेंटेंस लिखना है तो आप टाइप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं जो आपके कंपाइलर जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। हर वेरिएबल के साथ उसकी डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करना मस्ट होता है। जिस वेरिएबल के साथ डेटा टाइप नहीं होती है आप उसको वो वेरिएबल ही कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि हर वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है और जब तक डेटा टाइप नहीं होगी आपकी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। आप सी शार्प की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उन सब में डेटा टाइप्स होती हैं। इसके बाद अब हैं कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो ऑलरेडी सी शार्प ने डिफाइन की हैं, जिनमें कौन सी डेटा टाइप्स हैं, करेक्टर्स हैं। अब मेमोरी साइज लिखा हुआ है, हर डेटा टाइप कोई ना कोई मेमोरी साइज ले रहा है, जैसे इसका मेमोरी 1 byte की होती है करेक्टर। इसी तरह हम बात करें तो उसकी रेंज क्या है, रेंज है -128 to 127 करेक्टर्स आपके मैथ में होते हैं वही होते हैं। इसी तरह एक है साइंड चार, एक है अनसाइंड। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो साइंड करेक्टर होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपको साइंस होते हैं माइनस में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। जो अनसाइंड होते हैं जैसे यहाँ पर मेंशन है 0 to 255, उनमें कोई भी मेंशन नहीं होता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरह इंट है, इंट आपकी नंबर्स की डेटा टाइप है, उसमें भी साइंड और अनसाइंड है। आपकी डेसिमल की डेटा टाइप है, लॉन्ग की है, आपकी स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स है। इसी तरह बहुत सी डेटा टाइप्स हैं जो सी शार्प में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक तो आपने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कर ली और दूसरी होती है रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। अब रेफरेंस टाइप डेटा टाइप क्या होती है, आप इसको कस्टमाइज डेटा टाइप्स कह सकते हैं, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। आपने सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे फंक्शन और मैथड। अब वो जो फंक्शन और मैथड होते हैं वो मेनली आपकी रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको आप खुद डिक्लेयर करके किसी ना किसी चीज़ को कॉल करते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, और आप फर्दर उसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। अब इसकी क्लासिफिकेशन में इसमें 6 तरह के रेफरेंस टाइप्स होते हैं। इसमें क्लास, क्लास क्या है, क्लास है आपने एक क्लास बना दी, आपने क्या है क्लास बना, इसका नाम आपने रखा एम्प्लॉय। तो ये क्या थी, एक आपने एक एम्प्लॉय के नाम से एक रेफरेंस डेटा टाइप बना दिया और आप उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड अपनी क्लास में लिख रहे हो आप बता देते हो कि एक क्लास में क्या है। आपको उसमें आपने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, आपको इसमें एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, उसकी सैलरी आ रही है, उसका एड्रेस आ रहा है, और आप उसके उसके फंक्शंस क्या बना रहे हो, जो उसकी डेटा टाइप। आप कह रहे हो हमने क्या करना है, इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब जब आप कैलकुलेट सैलरी बना रहे हो, ये इसकी
ये इसका एक फंक्शन बन गया, ठीक है। इस क्लास का फंक्शन है जिसको आप क्या करते हो, कॉल करते हो, तो वो क्या कंसीडर होता है, रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। इसी तरह होता है डेलीगेट। अब डेलीगेट क्या है, वो यूज़र डिफाइंड रेफरेंस टाइप है जिससे आप दो से तीन से चार मेथड जो है या फंक्शन जो आप कह रहे हो, जैसे कैलकुलेट सैलरी है, वो डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या है, जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उसको जब भी आपने कॉल करना होता है, आप उसके लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो। अब कुछ बिल्ट इन होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। जब हम सी शार्प पे प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे होंगे जो प्री डिफाइंड होंगे, जो ऑलरेडी सिस्टम ने हमें डिफाइन किए हुए हैं। कुछ होंगे जो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, क्लाइंट्स की सैलरी है, या आप टू का टेबल राइटअप कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप ऑब्जेक्ट करोगे। जब भी आप उसको कॉल करोगे, यानी जब भी आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन टाइप है, जब भी हमें कोई पैराग्राफ या मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो, जैसे एड्रेस है, हम क्या एड्रेस जो है वो आपका 3 to 4 लाइन्स में आएगा, तो आप उसके लिए कौन सी स्ट्रिंग टाइप यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें करेक्टर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, और आपके अल्फ़ाबेट भी आते हैं, तो आपके लिए इजीली हो जाता है कि आप स्ट्रिंग टाइप में अपना डेटा जो है वो स्टोर करवाओ। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में ग्रुप रिलेटेड जो होती हैं वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और ये किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकता है, कि एक मल्टीपल इंटरफेरेंस होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं। हम बात करते हैं अरे। अरे एक ऐसी डेटा टाइप है जिसपे हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो। अरे के अंदर आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, अरे के अंदर आप नंबर टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बूलियन टाइप का करवा सकते हैं, फ्लोट टाइप का करवा सकते हैं। आप एक ही अरे के अंदर ये मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। देन आ जाते हैं रूल्स, कि आप वेरिएबल्स के जो नाम रखते हो उनके क्या रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल ये होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है, जब भी आपने उसका नेम स्टार्ट करना है, वो अपर या लोअर केस में हो सकता है, या वो अंडरस्कोर हो सकता है, वो कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। 1, 2, 3 से आप कभी भी नेम डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का। उसके बाद क्या है, जो अंडरस्कोर है वो एक लीगल फर्स्ट कैरेक्टर है, आप ना भी रिकमेंड करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सी शार्प क्या, वो केस सेंसिटिव है, इसलिए जब भी आपने किसी वेरिएबल को नाम डिक्लेयर करना है, आपने लिखा डेटा टाइप, जैसे आपने कहा इंट, आपने नेम, आपने वेरिएबल का नेम लिखा नंबर, तो उसके बाद सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका जो वेरिएबल है वो उनका नेम असाइन ही नहीं होगा। आप किसी भी कीवर्ड को, जैसे एट द रेट हो जाता हैश, डॉलर, मल्टीप्लाई, प्लस, इनको वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। आप उसके बाद जो आप सिर्फ एक सिंबल है एट द रेट का प्रीफिक्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप जो है एक सिंपल ऐसे वेरिएबल में नेम असाइन करें जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आप टफ नेम असाइन करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी यूज करते वक्त आपने किस वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर करवाया। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेरेशन। अब एक होता है वेरिएबल का नेम असाइन करना, ठीक है, एक होता है उस वेरिएबल में वैल्यू कैसे आएगी, वो होती है डिक्लेरेशन, कि आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हो। जैसे आप इसका सिंटैक्स देखो, आपने लिखा डेटा टाइप आ गई, वेरिएबल का नेम आ गया, इज इक्वल आपने क्या लिखा है वैल्यू। आप जब उसको वैल्यू साइन करके सेमी कॉलन मार्क करोगे, इसका मीन्स है कि उस वेरिएबल में क्या वैल्यू है ये भी आपने डिक्लेयर कर दिया। आप मल्टीपल कर सकते हो, वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल 2, वैल्यू वेरिएबल 3, उन सब की वैल्यू असाइन कर सकते हो। बाकी जो फर्दर है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, और हमने कौन से टूल्स पे काम करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।